So let's start your snap interview for मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। सो अपने यस बारे सर। में बताओ पहले। सर मेरा नाम सोनू सिंघल है। मैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2016 में पास आउट की है। और अभी मैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के पद पर कार्यरत हूँ। ओके तो आपका काम क्या है अभी? सर्विंग वर्क देखना, यस सर, अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे है सर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ओके यस सर। आप मुझे बताओ कि हमारा ये जो मीन सी लेवल है, हम कहाँ से लेके चल रहे हैं? सर ये हम लोग बॉम्बे हाई से लेके चलते हैं। अर्लियर इट वॉज फ्रॉम द कराची पाकिस्तान, डू यू नो? यस सर। तो मुंबई हाई और कराची पाकिस्तान के एमएसएल में कितना डिफरेंस है? सॉरी सर, नो कभी सोचा आइडिया। नहीं ऐसा कि अभी हम मुंबई से लेके चल रहे हैं और जो स्ट्रक्चर हमारे ये कराची पाकिस्तान, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में जो हमने बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर्स और अभी जो बन रहे हैं उनमें कितना डेविएशन आएगा फिर आरएल में? सर आई थिंक सेम होना चाहिए क्योंकि वहां से ट्रांसफर करके यहाँ लाए होंगे हम लोग। सेम नहीं है, सुनो। मीन सी लेवल में, वहां का मीन सी लेवल और यहाँ का मीन सी लेवल सेम कैसे है? हाँ सर, दोनों डिफरेंट होंगे वो तो। कुछ वहाँ पे डिफरेंस है, एमएम में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए ये आपके लिए वर्क है। अच्छा मुझे बताओ कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग सर एक स्ट्रेट लाइन, जो जितनी भी स्ट्रेट लाइन है या सर्वे लाइन है उनको एक सीरीज में कनेक्टेड कर देते हैं हम लोग, और एक क्लोज कंटूर या फिर ओपन क्लोज ट्रावर्स या ओपन ट्रावर्स बनाते हैं, जिससे हम लोग उनकी लेंथ निकाल सकें या फिर डायरेक्शंस निकाल सकें ओके किसी भी एरिया का। किसी भी एरिया को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सीरीज, जो उसमें स्ट्रेट लाइंस में उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर उनका एंगल या बियरिंग या फिर जो लेंथ जो भी निकालना है वो हम लोग निकाल सकें उससे इजीली। यस अच्छा मेरे पास ये वो चैनल है, सर। राइट? आई एम जस्ट फ्रेमिंग कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का चैनल है, ठीक है जी। यस तो सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ, ये जो मैं चैनल यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है रिवर से, जहाँ से पानी चैनल में आएगा, तो कितना ईयर्स का डाटा हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए? यहाँ पे कोई रिवर भी है, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर जा रही है, रिवर से कुछ पानी मैं इसमें भेज रहा हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंड करना, ठीक है? तो ये जो मैं चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बना रहा हूँ चैनल, तो इसको बनाने से पहले मुझे हाइड्रोलॉजिकल डाटा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस सर। मान लो अगर तुम रिवर का पानी इसमें भेज रहे हो डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, यस सर। तो कितने सालों का डाटा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है? सर लास्ट 30 इयर्स। लास्ट 30 ईयर्स का। यस सर। ओके अच्छा स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है सोनू? स्पेसिफिक एनर्जी सर टोटल एनर्जी मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेड एज ए डेटम। यदि हम बेड को ही डेटम मान ले उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी मेजर करेंगे उसको हम स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे सर। अच्छा ये मेरा बेड है, यस ठीक सर। है, और मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, राइट? यस सर। तो पहले तो मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म फ्लो का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स सर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज है लाइक डेप्थ विच रिमेन कॉन्स्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल। ये लीजिए, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म फ्लो है, देन व्हाट डू यू थिंक, स्पेसिफिक एनर्जी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो स्पेसिफिक एनर्जी सर कांस्टेंट रहेगी सर, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो। स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, हाउ? बिकॉज सर डेप्थ भी कांस्टेंट हो गई और उसमें एक पैरामीटर आता है वेलोसिटी हेड का, तो अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो मान अगर एरिया उसका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह सकती है। तो इन केस अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो टोटल एनर्जी लाइन एंड जो ये क्या नाम है स्पेसिफिक एनर्जी लाइन जो होती है, जो हाइड्रोग्रेड ग्रेडियंट लाइन जो होती है एचजीएल, नहीं तो उस यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन, वो दोनों सेम है क्या? यस सर हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन कहाँ पे है यहाँ पे? हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन है सर, वाटर जो वाटर प्रोफाइल है उसके जो पैरेलल जो जिस वाटर सेम जो वाटर प्रोफाइल है उसी के अलोंग जो है अच्छा इसी को मान लेते हैं, ठीक है। और इसी को। स्पेसिफिक एनर्जी लाइन?
स्पेसिफिक एनर्जी लाइन से एक तरह से टोटल एनर्जी लाइन को बोल सकते हैं। इस केस में अगर डेटम हम लोग बेड को डेटम मान ले तो ओके ये स्पेसिफिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी सर अगर हेड में इसको कंसिडर करें तो इसका मीटर में होता है यूनिट, अगर जैसे प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड अगर लेके चले तो। और क्या यूनिट होता है इसका, इसके अलावा? इसके सर पर यूनिट वेट में लिख सकते हैं सर इसको, अगर अच्छा, ऐसा एनर्जी। केस यस पॉसिबल सर है? ऐसा केस पॉसिबल है कि जिसमें आपका जो टोटल एनर्जी है यस वो सर डिक्रीज ना करे इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो? यहाँ पे टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? अभी तो सर डिक्रीज करेगा। ऐसा केस कोई पॉसिबल है जिसमें टोटल एनर्जी आपका डिक्रीज ना करे? सर हो सकता है अगर लॉसेस ना हो, फ्रिक्शन लॉस ना हो, जैसे फ्रिक्शन लेस चैनल अगर या हो तो। अगर अच्छा, अगर मैं फ्रिक्शनलेस चैनल कंसीडर करूँ और यूनिफॉर्म फ्लो है यस सर तो स्पेसिफिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा या इंडक्शन फ्लो है घटेगा? सर स्पेसिफिक एनर्जी तो अगर फ्रिक्शन लेस चैनल है तो अच्छा, मुझे बताएं कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है सोनू? सर व्हेन फ्लो अकर्स सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल देन दिस फ्लो इज नोन एज सुपर हाइड्रोलिक जंप, दिस बिहेवियर इज। और आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो इनकमिंग फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल आ रहा है और दूसरा हमारे पास सब क्रिटिकल है, उसके साथ वो मीट करेगा? कैसे ये चीज को इंश्योर करोगे? सर अगर प्रैक्टिकली देखना हो तो फिर हम डिस्टरबेंस ऑफ वेव के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी स्टिल वाटर है या उसमें अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो अगर वेव जो हैं वो अगर अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या डाउनवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो सर फ्लो सब क्रिटिकल होगा, लेकिन अगर डाउनवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फ्लो फिर सुपर क्रिटिकल होगा। वो तो एक पॉइंट पे है ना, हमें तो हाइड्रोलिक जम की फॉर्मेशन करवानी है। आपको तो दोनों तरह का चाहिए कि एक सुपर क्रिटिकल फ्लो दूसरे सब क्रिटिकल फ्लो को आके मीट करे। सर ये हम लोग कोई भी सडन क्लोजर या वियर लगा के उसमें नीचे जिस ओपन ओपनिंग रहती है नीचे सर वो क्रिएट करके कर सकते हैं सर, क्योंकि उस ओपनिंग के जस्ट बिहाइंड सुपर क्रिटिकल होगा, उसके फिर आगे जाके वो सब क्रिटिकल बन जाएगा। ओके। अच्छा मुझे बताओ कि फ्रॉड नंबर क्या होता है? फ्लोट नंबर सर इस द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। और इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी है निकालने का क्या? यस सर वी अपॉन रूट जी वाई अंडर रूट जी वाई व्हाट इज वाई? वाई इज सर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मीन्स की एरिया डिवाइड बाय टॉप विड्थ, व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। विच वेलोसिटी ऑफ फ्लो? यस सर विच वन वेलोसिटी? देखो ना यहाँ पे, ये मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करूँ सोनू, यस सर तो हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है ओपन चैनल में, इट इज यस जीरो एट द बेड, क्योंकि हम नो सर स्लिप दिस इज द कंडीशन में एवरेज ले रहे हैं। वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। यस राइट। अब यहाँ पे ना फ्री सरफेस पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों नहीं मिलती है? व्हाई वी आर गेटिंग लिटिल बिलो द फ्री सरफेस? सर दिस इज ड्यू टू सेकेंडरी करंट, क्योंकि पानी जो सर वो है वो ओनली लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी पानी की मिक्सिंग होती है, तो उसके कारण सेकेंडरी करंट जनरेट होते हैं, तो उसके वजह से जो वेलोसिटी मिलती है मैक्सिमम वो सरफेस से 0.005 टू 0.15 डेप्थ में मिलती है। अच्छा, हाइड्रोलिक जंप किस तरह का ये फ्लो है? हाइड्रोलिक जंप सर अगर सुपर क्रिटिकल सब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की ओर जाते हैं तब जब तब जनरेट होता है सर। नहीं, आप किस कैटेगरी में रखो इसको? लाइक दिस वी हैव द यस यूनिफॉर्म सर यस सर फ्लो। सर आरवीएफ रैपिडली वेरिड फ्लो। वेरी गुड।
अच्छा एक टर्म और आता है जीवीएफ, ग्रेजुअली यस सर, वेरिएड फ्लो। यस सर। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेडी है या अनस्टेडी है? सर जीबीएफ स्टडी तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है। ओके अच्छा मैंने ना यहाँ पे ये मान लो मेरा कोई बेड है, यस सर, रिवर बेड बोल दो, और मैंने यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह बना दिया, मान लो मैंने डैम या वियर टाइप का बना दिया, फॉर यस एग्जाम्पल। सर, यस सर। तो इसके अपस्ट्रीम में मुझे किस तरह का यहाँ पे वाटर प्रोफाइल मिलेगा? सर जीबीएफ मिलेगा, जीवीएफ। और क्या बोलेंगे एम उसको, वन प्रोफाइल, एम वन प्रोफाइल, एम1 ग्रेजुअली प्रोफाइल? वेरिएड आपने फ्लो। कैसे बोल दिया? अभी तो इनके सर का बिकॉज बेड स्लोप भी डिफाइन नहीं है कि वो माइल्ड है, स्टीप है। यस सर, यस सर, जनरली सर अगर इसे ना हम माइल्ड एक स्लोप नेम होगा करते हैं, सोनू, तो यस सर, क्या बोलते हैं उस कर्व को? बैक वाटर करो सर। राइजिंग होता है या फॉलिंग होता है? इज ये सर राइजिंग होएगा, इट ओके? यस सर। ओके सो लेट मी गिव यू फीडबैक सोनू। सी देखो, आपका जो ओसीएफ वाला पार्ट है दैट इज फाइन, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, राइट? थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें, जो अभी आप वर्क कर रहे हैं ना, यस यहाँ से सर, पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे सोनू, यस सर, राइट? जैसे आप सर्विंग वाला पार्ट देख रहे हो ना, यस आप सर, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कर रहे हो, बेसिकली कितना यहाँ पे कंट्रोल रखा जाता है, राइट? कौन कौन से यस इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम टोटल स्टेशन की बात करते हैं मोस्टली जो यूज किया जाता है इंडिया में बहुत ज्यादा, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, राइट? लीस्ट काउंट कितना होता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये सब सर, चीजें पूछ सकते हो, क्लियर? बाकी जैसे मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा, इसको आप जरूर देखें कितना ये डिफरेंस, कि अभी हम मुंबई हाई से लेके चल रहे हैं, पहले कराची पाकिस्तान से था, तो कितना ही आरएल डिफरेंस है, ओके सर, राइट? स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज ऑल, दैट इज ओके। तो यहाँ पे देखो ना, मैंने आपसे सिंपल एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक आपने आंसर भी किया था, कि लास्ट 30 to 40 ईयर्स का डाटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए, पिछले 30 से 40 सालों तक का। यस सर, ये डिपेंड करता है बेसिकली स्टेट टू स्टेट, और आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है किस तरह का स्ट्रक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है, राइट? यस सर, एंड रेस्ट व्यू आंसर द थिंग्स। हाँ मैंने यहाँ पे ये भी पूछा कि अगर आपको ये फॉर्म करना हो कि आपको हाइड्रोजम की फॉर्मेशन करवानी है, तो सीधा देखो ना, आप बोलो कि सर मेरे पास एक ऐसा चैनल मैं बनाऊंगा पहले जिसका स्लोप ज्यादा हो, जिसको बोलते हैं स्टीप स्लोप, फिर स्टीव इसको मैं एक स्लोप, माइल्ड स्लोप के साथ ज्वाइन करूंगा, तो स्टीप स्लोप में जो मेरी नॉर्मल डेप्थ होती है क्रिटिकल से कम होती है, तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, यस और सर, सब माइल्ड स्लोप चैनल में जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो क्रिटिकल से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सब क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल हो जैसे जाएगा। यहाँ पे कम डेप्थ वाला हाई वेलोसिटी वाला फ्लो ज्यादा डेप्थ और कम वेलोसिटी वाले फ्लो के साथ मीट करता है, तभी तो हाइड्रोजन जंप की फॉर्मेशन होगी। स्टीव टू माइल्ड ना सर, स्टीप टू माइल्ड, और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, सर एक एडजस्ट क्लोजर नहीं वाले करेंगे से भी आप। बन जाता है ना, जो हम लोग क्लोजर एकदम गेट क्लोज सडन क्लोजर वगैरह करते हैं हाँ तो वहां पे बनेगा, यस उधर भी बनेगा, आपका हाइड्रोजन जंप की फॉर्मेशन होती है। सर। सर एक ये पूछना था सर, इसमें जो स्पेसिफिक एनर्जी का आपने बोल, ये आपने एचजीएल जो बोला था स्पेसिफिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हाँ में, तो अगर फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सर, हाँ कांस्टेंट है, दैट इज ओके। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो। हाँ डिस्चार्ज कांस्टेंट है, वो सही था आपका सर। हाँ, और टोटल देखो एनर्जी मैं सर, टोटल एनर्जी तो मे भी डिक्रीज होगी टोटल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि लॉसेस होंगे उसमें। लेकिन जो आपका यूनिफॉर्म फ्लो है तो डेप्थ ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो कांस्टेंट होता है ना, हाँ तो हाँ जितना ये वाटर सरफेस से आपका ऑर्डिनेट है उतना ही ये भी तो होगा, यस सर, और ये कांस्टेंट है पहले, ये वाई डेप्थ है, इधर भी वाई है, तो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और स्पेसिफिक एनर्जी कुछ नहीं है, चैनल के बेड से टोटल एनर्जी लाइन का डिस्टेंस ही होता है स्पेसिफिक एनर्जी, इसकी यूनिट है मीटर, दैट यू टोल्ड। लेकिन फिर आप बीच में फंस गए, आप यहाँ पे पर यूनिट मीटर लग गए बोले, पर यूनिट वेट आपने बोला आई थिंक, ठीक है सर। ठीक है? सर जूल नहीं बोल सकते इसको, एनर्जी है तो नहीं जूल में नहीं बोल सकते इसको, नहीं नहीं इसके यूनिट मीटर में है ना, ये आपके पास टोटल ठीक एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म में लिखा गया है ये, है सर। राइट? ओके सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एक आपने पूछा था कि ये जो एचजीएल लाइन है ये डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, क्यों, वो सर किस पर डिपेंड करता है फ्लो में। नहीं देखो, ये जो आपका वाटर वाला जो लाइन है ना, हाँ ये तो डिपेंड करेगा आपके पास आरवीएफ है, जैसे मान लो सडनली यहाँ पे आपने क्या किया, बेड स्लोप को यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया, ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे ठीक है पानी की सर, डेप्थ ज्यादा, यहाँ पे कम हो जाएगी, ओ हम ड्रॉ डाउन कर बोलते हैं, समझ यस सर, रहे हो? अब ठीक है, हाइड्रोलिक रिटेन लाइन को जरूरी नहीं है, वो फ्री वाटर सरफेस के साथ मैच करती है, चैनल के स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर, राइट? राइट सर। चलिए ऑल राइट।